नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करने की आयकर विभाग की कार्यवाही के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से आज देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से मिले दिशा निर्देशों के तहत आज देश भर के सभी आयकर कार्यालयों के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इन्हीं दिशा निर्देशों के तहत राजस्थान कांग्रेस प्रदेश के आह्वान पर जोधपुर उत्तर व दक्षिण कांग्रेस कमेटी की तरफ से पावटा सी रोड स्थित आयकर विभाग के कार्यालय के बाहर संयुक्त धरना दिया गया। शहर कांग्रेस के उत्तर जिलाध्यक्ष सलीम खान व दक्षिण जिलाध्यक्ष नरेश चंद्र जोशी ने बताया कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले आयकर विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं युवा कांग्रेस के खाते सीज करने के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते राजनीतिक द्वेषता के चलते फीस किए गए हैं। मोदी सरकार विपक्ष की पार्टियों पर किसी न किसी रूप में हमले करने में लगी है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि चलते चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए। ये सब कांग्रेस के चुनाव में व्यवधान डालने के मकसद से किया गया है। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आयकर विभाग का मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया और वहां नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व जेडीए चेयरमैन राजेंद्र सिंह सोलंकी, पूर्व विधायक मनीषा पंवार, युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष योगेश कछवाहा, कांग्रेस देहात की जिलाध्यक्ष विजयलक्ष्मी पटेल सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज जोधपुर कांग्रेस कमेटी उत्तर और दक्षिण के संयुक्त तत्वाधान में हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जो कांग्रेसी नेताओं के और यूथ कांग्रेस के जो खाते सीज किए गए उसके विरोध में आज धरना प्रदर्शन किया गया है। जो दिल्ली में बैठी मोदी और शाह की सरकार है वो हिटलर शाही पर उतर आई है। जिस तरीके से आम नागरिकों की सुरक्षा नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है, महिलाओं को सम्मान नहीं है, भ्रष्टाचार कहीं खत्म नहीं हो रहा है, काला धन वापस नहीं आया, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही है, ये सरकार किसी भी मुद्दे पर काम नहीं कर रही है। अगर कोई बात टूटता है तो संसद से सांसदों को निकाल दिया जाता है। राहुल गांधी जी जिस तरीके से न्याय यात्रा कर रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं कि आपने इन 9 सालों में क्या किया, किसी कोई एम्स का निर्माण किया, कोई शिक्षा को लेकर काम किया, कोई स्वास्थ्य को लेकर काम किया, किसी प्रकार का इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये केवल तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं। और हम जिस तरीके से एक एक रुपया ऑनलाइन जो हमारा जमा हो रहा है, जो हमारा सफेद धन है, जो हम बहुत निष्ठा के साथ कांग्रेस पार्टी में दे रहे हैं, उसको सीज करने का काम ये मोदी सरकार कर रही है, बहुत शर्मनाक बात है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। और जिस तरीके से ये बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों खरबों रुपए लेकर हर आम आदमी हर नेताओं पर प्रहार कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं। हम इसका घोर विरोध कर रहे हैं। और आज जिस तरीके से कार्यकर्ताओं और कांग्रेसों का खाता सीज किया गया उसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया है और आने वाले समय में यह धरना प्रदर्शन और उग्र होगा। हम सड़कों पर जाएंगे और इसका घोर विरोध करेंगे। आज केंद्र सरकार की धर्मकारी नीति के खिलाफ जिस तरीके से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और यूथ कांग्रेस के खाते सीज किए उसके खिलाफ पूरे भारत में आज मुख्यालयों पर हम लोग धरना देकर अपने बात सर्वोच्च न्यायालय तक और भारतीय जनता के बीच में साझा करते हैं। मैं आपको इस खाते सीज करने की घटना की क्रोनोलॉजी को समझाना चाहता हूँ। जब इलेक्ट्रल बॉन्ड पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल उठाया और इसकी जो अग्रणी एजेंसी है SBI उसको ये निर्देश दिया कि आप इसकी पूरी जानकारी और ब्यौरा सर्वोच्च न्यायालय में सबमिट करें। एक तरफ जहाँ 5,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को मिलता है इलेक्ट्रल बॉन्ड से और दूसरी तरफ 165 करोड़ रुपया जो हमारे कार्यकर्ताओं ने 138वें स्थापना दिवस पर चंदा दिया वो 165 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी के खाते में। अब आप बताइए 5,000 करोड़ रुपए वालों का खाता सील होना चाहिए आप 165 करोड़ वालों का, लेकिन अन्यायपूर्ण तरीके से इन लोगों ने हमारे खाते सीज किए उसके विरोध में हम लोग आज धरना दे रहे हैं। ये लोग जनता का और मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस पार्टी में इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं।